हमारे बीच में अनेक ऐसे संप्रदाय के लोग हैं जो मेरी विचारधारा के कारण हमारे यज्ञ अनुष्ठान के और शक्ति के को देखते हुए पंडोगढ़ धाम के तपोभूमि का विस्तार तीर्थ की महत्वता को से संतुष्ट होते हुए हमारे बीच में मुस्लिम संप्रदाय से हमारे भाई साथ में खड़े हैं, अपनी स्वेच्छा से पंडोगढ़ धाम की विचारधारा से संतुष्ट होते हुए अपने मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में अपने पुनः वापस प्रवेश कर रहे हैं, सनातन धर्म में आ रहे हैं, इनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। भैया जी यहां आए और श्रीमद् भागवत महापुराण और अपने उमा शंकर देवलिया जी से भी मैं कहूंगा, पहले इनकी स्पीच, भक्तों को निर्देश, भक्तों को अपना संदेश, यहां का किस चीज से आप प्रभाव के संतुष्ट हुए और अपना भारतीय सनातन धर्म अपनाने के लिए आपको प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई, आप किसी दबाव में तो नहीं हो, किसी के प्रभाव में तो नहीं आए हो, पंडोकर सरकार धाम तीर्थ आपके साथ में है, आपको घर वापसी में अपने पुनः सनातन परिवार में आपको हाथ पसार कर आपको अपने गले लगाकर आपको आपको स्थान देकर आशीर्वाद प्रदान करता है। इनका तिलक रक्षा सूत्र हनुमान चालीसा का पाठ भैया करेंगे, अपना नाम प्रचार करेंगे, पंडोकर सरकार के फूल माला पहनाएंगे और विजयी और पंडोकर सरकार का आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेगा, आपकी सुरक्षा व्यवस्था पंडोकर सरकार दरबार आपका। देखिए परमात्मा के यहां से जिसकी आती है ना उसको कोई भी नहीं रोकता, लेकिन बाहरी आपदाओं से मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपके साथ खड़े होकर के आपका हाथ में हाथ पकड़ करके समाज में आपको स्थापित करूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान का जो संकल्प है बैठो यहां, जिसे साथ लेकर हम सभी सनातनी गौरव के क्षणों को प्राप्त करते हुए पूज्य गुरुदेव के आशीष और आशीर्वाद से इस धर्म ध्वजा को आगे ले जा रहे हैं। यह शुरुआत हो गई है पूज्य गुरुदेव के संकल्प की, जो गुरुदेव भगवान ने हम सभी भक्तों के समक्ष लिया और हम सभी को आगे धर्म ध्वजा को ले जाने के लिए आवाहन किया। ये राम राज्य की स्थापना का प्रतिबिंब है जो आज हम सभी पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में देख रहे हैं। सत्य सनातन धर्म जो आदि और अनंत है वो इसका उदाहरण है। हम रास्ते में तो भटकते ही हैं, लेकिन सच्चा गुरु वही है जो सदमार्ग पर दिखला दे, और ये प्रेम की मूर्ति हमको साक्षात दिख रही है कि ये भाई जावेद जो हैं ये भटक चुके थे, लेकिन यहां का वैभव सत्य सनातन धर्म का परिचय लेते हुए इन्होंने यहां पर देखा समझा और पूज्य हनुमान जी महाराज के चरणों में अखंड पाठ करते हुए इन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि मैं घर वापसी करूंगा और सत्य सनातन धर्म की छत्र छाया में शेष जीवन पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए धर्म ध्वजा को आगे ले जाऊंगा। मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं भाई जावेद जी का कि जिन्होंने आज पूज्य गुरुदेव भगवान के शरण रज प्राप्त करते हुए श्रीमद् भागवत कथा के समक्ष हिंदुत्व को अपनाते हुए राम राज्य की स्थापना में एक और कदम आगे बढ़ाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। आ जाइए जावेद भैया, श्रीमद् भागवत कथा के समक्ष जल से आचमन कराएं, बैठ जाइए, बैठ जाइए अच्छे से। ओम शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बालो मणिवारस्ताश्विनः श्वेताः श्वेताक्षो रुणस्थे रुद्राय पशुपतये कृणा जामा अवलिता रौद्रान भो रूपाः पार्जन्यः शुद्धोदक जलम समर्पयामि गंधचंदनम्। ओम त्वं गंधर्वा अघनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोघदे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यत। श्रीमद् भागवत महापुराणेभ्यो नमः। गंधाद्भिः संपूज्यतः
सदगुरु चरण कमले प्यो नमः। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान श्री श्याम का दुपट्टा उड़ाकर भाई जावेद को पुनः अपने घर की वापसी कराते हुए पूज गुरुदेव भगवान का आशीष और आशीर्वाद हमारे भैया पर बना रहे हो। मैं पूज गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जावेद भाई अपने घर पर वापसी कर चुके हैं तो आप अपने मुखारविंद से हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ भी करेंगे, पंडोगर सरकार चालीसा का पाठ भी करेंगे और पूज गुरुदेव भगवान आज से जावेद भाई को एक नया नाम देंगे जिसे हम अपने मुखारविंद से बोलकर भाई को गले लगाएंगे। मुंबई महाराष्ट्र जालाना से हमारे भाई जावेद जी हैं और आप सभी इनका समर्थन करें, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले पंडोगर धाम की, सतगुरुदेव भगवान की जय, जय सीताराम। पूज्य महाराज श्री मंच पर कृपा करें, आदरणीय छोटे भाई लवलीश जी महाराज जी वो भी मंच पर आए और अपना संबोधन अपना नाम परिचय दे करके आप नया नाम पाए। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में एक निवेदन कि श्री सरकार अपने मुखारविंद से इस भक्त को नामकरण के बाद हनुमान जी महाराज का स्मरण इस मुख से निकले तो अति कृपा होगी। शिवेंद्र, शिवेंद्र नाम प्राप्त किया है भाई को, जोरदार तालियां शिवेंद्र भाई के लिए, सरकार की जय। मैं अब शिवेंद्र भाई से प्रार्थना करूंगा कि जोरदार एक वीर बजरंगबली का जयकारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करें। श्री गुरु चरण सरोज, हेलो हेलो, श्री गुरु चरण सरोज रजमन मुकुरारी बरु मसल जो दायको फलचारी बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहु हरेउ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश देव लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धाम अंजनि पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमत के कंचन भरन राजू केसा कांडल कुंडल कुंचित केसा आज भरा जो धोरा विराजे काचे मु शंकर साचे शंकर सुवर के श्री नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज को करे को आतुर प्रभु चरित्र सुनको रसिया राम लगन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह थिकावा विकट रूप धरि लंक जर भीम रूप धरि असु सहारे रामचंद्र के का सवार लाए संजीवन लखन जियाए रघुबर शिवर जाए रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई तुम प्रिय भर संभाई सहज बंदन अस्पटिकावे अस्कंटी पसंद कर लावे संकातित ब्रह्मांड मुनिषा नारद सार सही अधिशा जम कुरे दिक्पाल द्याते कोई कोई कई से काते तुम उपकार सुग्रीव किंडा राम मिलाए राजपद दिना तुम्हारे मंत्र विभीषण भाना लंकेश्वर प्रयोग पर भानु जू अशोक प्रयोग पर भानु लील्यताय मधुर पल जा जानू प्रभु मुद्रिका में मुख नाई जल देना अम्मा चरण नाई दुर्गम का जगत के जेते सुनु अनुग्रह तुम रहते थे राम दुलारे तुम रखवारे ओतना पिन पैसारे सब सुख ले तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन ते समारो आपे तीनी लोग आग ते कापे भूत बिचेत निकट ना आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत बिलवीरा संकट जो हनुमान जुड़ावे मन क्रम जो ध्यान लावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके काल सकल तुम और भरत जो कोई लाए सोई अमित जीवन बल पावे चारों जग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजारा साधु संत के तुम रखवारे असु नंद के राम दुलारे अष्ट सौ निधि की दाता असवर तीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख पर सावे अंत काल रघु पर जाई जा जन्मारी भक्त कलाई और देवता चिंतन धरी हनुमन से सर्व सुख करी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमान बल पीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव बिनाई जो शत पार पाठ करो होई चुट्टी बंदी मास होई जो पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि सागी गौरी तुलसीदास सदारी चेहरा कुचे ना दूध में डरा पवन तन में संकट हरना मंगल मूर्ति रूप धामा मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सुर धूप बोल बोल श्री राम प्रभु की जय। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय। सभी आगंतुक तो ब्रह्मशिवों से आग्रह है कि आसन ग्रहण करें। पूज गुरुदेव भगवान ने शिवेंद्र को गले लगाते हुए हम सभी को एक
सत्य सनातन धर्म और राम राज्य की स्थापना का प्रतिबिंब आपके सामने दिखाया है। आज हमारे बीच इस मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र बिधौलिया जी भी इसी गौरव के क्षण में उपस्थित हुए हैं। ये जावेद भाई जालाना महाराष्ट्र से थे, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से, पूज्य हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से आज इन्होंने सत्य सनातन धर्म को स्वीकार किया और पूज्य गुरुदेव भगवान ने इनका नामकरण करते हुए आज से इनको शिवेंद्र नाम स्थापित कर दिया। अब आज से ये शिवेंद्र नाम से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। ये है सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की।